हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ अविधि एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक है, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने टाइगर की मराठी स्टाइल में शादी दिखाई थी। अगर वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ चेक दैट आउट। अभी आज का जो व्लॉग है इसमें कुछ आफ्टर शादी जो छोटी मोटी रस्म होती है ना वो सब दिखाने वाली हूँ। इसके बाद हमारा पूरा गेसू गैंग हम लोग सब इंदौर जाएंगे। इंदौर में आपको हमारे ग्रुप की एक और मेम्बर जो है ममता, उससे मिलवाऊंगी। वो शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि उसका एग्जाम था इसलिए, तो उससे मिलवाऊंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंदौर भ्रमण करेंगे और ममता और मैं हम दोनों, और फिर इसके बाद मेरी रात में फ्लाइट है गुवाहाटी वापस जाने के लिए। तो ये सारा सब कुछ मैं ये वाले व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून एंड वॉच टिल एंड। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, इस व्लॉग में बीच बीच में माधव की कमेंट्री भी सुनाई देगी, विच इज़ गोइंग टू बी सो एंटरटेनिंग। तो आपको मजा आने वाला है ये व्लॉग देखने में, तो लास्ट तक देखिएगा। कैसा लग रहा है कमेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। विदाई में भी लड़की की दोस्त हंस रही है। वैसे तो साथ में रहती नहीं हूँ ना, तो अब क्या मतलब का है? अविधि आप अपने ब्लॉग में वो दीजिए। अविधि नहीं है, पूजा है। सॉरी, मैं नाम में बहुत गंदा हूँ। ब्लॉग वाली नीति का सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है, और इसलिए कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बहुत सारी नहीं, बहुत कुछ फील हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं बता नहीं पा रहे। चलो, ये लोग चलो भाई। इसकी क्या जरूरत थी? सब लोग ऐसे ही बता रहे हैं, मैं नहीं बोलने वाली। अंदर से सबको चाहिए होता है। बहुत अच्छा लगा, तुम लोग आए और तुम लोगों ने एंजॉय किया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बोला, रुक जा, एक बार बोलो। हो गया, हो गया, सब चाहिए, सबको होता है, बस दिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा तुम आई। अरे इसी के साथ हम सब लोग विदा लेते हैं टाइगर से और भागते हैं इंदौर की बस पकड़ने के लिए। कहना भैया बस कहाँ खड़ी दिख नहीं रही हमें? बस नहीं दिख रही। कहना भैया बस नहीं दिख रही, हम लोग कब से खड़े यहाँ पे? कौन से कलर की बस है? बस हम लोग पहुँच गए भैया। कहाँ पे खड़ी है? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, दौड़ते दौड़ते पहुंचे। बस ये दौड़ के आया हम तो आराम से आए। भाई इन लोग का लगता है सामान उठवा लेती है। तो हम लोग बहुत मुश्किल से पहुंच गए हैं। ये जो बस वाले बिल्कुल बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आप लोग सरकारी समझते हुए समझ जाएंगे, ठीक है। आए हर बार नहीं करना होता ब्लॉग, बोलो क्या है? तुमको लग रहा था कि बाकी हम छूट जाएंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बार जब जो आप लोगों ने एक टुच्ची हरकत की ब्यूटी पार्लर वाली, उसका उसका क्या कहेंगे आप लोग? पैसे 300 रुपए दे के आइए पुन्नु, उसमें वो पैसे कितने ना, 300 रुपए। अरे वो भाई को ले ले यार, ऐसे कहाँ छोड़े, वो फोन पे करके मांग लेना।
कौन दे कर आया है, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल मैं उसको बोलूंगी कि आप रख लो कैश। उसका नंबर देना पार्लर वाली का। अब यहाँ पर चल क्या रहा है मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। पहली चीज़, हमारी 8 बजे की बस थी और टाइगर सीसी ऑफ करते करते हमें इतना टाइम लग गया कि 8:18 बज गए थे और हम बस स्टॉप तक पहुँचे नहीं थे। दूसरी चीज़, बस वाले भैया बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। हमने उनको बोला भी कि हमारे 8 लोगों की सीट बुक है तो आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, बट वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तीसरी चीज़, बस पकड़ने से पहले हमें पार्लर वाली को सामान भी लौटाना था कुछ। और चौथी चीज़, पार्लर वाली के पास हमारी पूजा मैडम अमीरी के चलते 300 रुपये से ज़्यादा छोड़ के आ गए थे तो वो भी रिसीव करना था। तो यही सबका सरकास्म चल रहा है अभी यहाँ पे। भाई पुन्नू कैसा लग रहा है? अरे उल्टा है। भाई पुन्नू कैसा लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है। पहुँच जाएंगे क्या? पहुँचेंगे कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। ये रिश्ता कोमल चप्पल लेके आ गए दोस्त, सामान उठा के ला गए, चोर लोग की कमी नहीं है। तो गिरेगी ना दूसरे की है तो आप वो देख सकते हो चप्पल उठा के ली आई गई है, बारातियों की चप्पल। दहेज मिला नहीं, हमने बोला था 2 कपड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी और चप्पल लेके आ गए। यार मैं बहुत करता हूँ यार फ्रेंड। तलब ना बहुत बुरी होती है, ठीक है? चाय की तलब वो मैं दिखाने वाली हूँ स्ट्रगल यहाँ पे। कितने फाइन लोग। मैं 4 बार चाय गिर चुकी मेरे ऊपर और 3 बार उसको गर्म लग चुका है। ओम और फिर इसी तरह से थोड़े से सरकास्म करते करते, थोड़े सा मजाक मस्ती, थोड़ा चाय बिस्किट के लिए स्ट्रगल, यही सब करते करते हम लोगों का 3-4 घंटे का सफ़र भी निकल गया और हम इंदौर भी पहुंच गए। निकालेंगे मेरा ये बोला था ना मैंने। बाय बाय बाय। मेरे को ज़्यादा मिस मत करना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भैया रोको। अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा को स्टेशन छोड़ने के लिए। दिस इज इंदौर रेलवे स्टेशन, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ भारत का क्लीनेस्ट स्टेशन। अब कब मिलेंगे अपन? क्या पता तेरी शादी में। मुझे कब से ये मेरा लावारिस बैग छोड़ के पूजा भी चली गई, विशाखा भी चली गई, मैं भी जाती हूँ
और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. टाटा.